महासती मैना सुंदरी, महासती मैना सुंदरी, हमें हमारे सैनिकों की सैन्य शक्ति और कार्य क्षमता पर पूर्ण विश्वास है। फिर भी हम सतर्क कर रहे हैं और उज्जैन राज्य के प्रथम और सबसे सशक्त प्रहरी हम अपनी प्रजा को मानते हैं और राजकुमारी के विवाहोत्सव में स्वयं प्रजा विवाह के आनंद में सम्मिलित है। इसका लाभ शत्रु राज्य उठा सकते हैं। हमें गुप्तचरों से ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है, अतएव सतर्क रहे और बड़ी सावधानी से हर व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करें। आप निश्चिंत रहिए महामंत्री जी, कोई भी शत्रु हमारे प्राण रहने तक महल में तो क्या राज्य की सीमा में भी प्रवेश नहीं कर सकता। ईश्वर करे ऐसा ही हो। आप लोग जा सकते हैं। जी महामंत्री जी। अरे जमुना देवी, आप यहाँ क्या कर रही हो? आपको तो हमने भोजन व्यवस्था में गंगानाथ महाराज के सहयोग का कार्य सौंपा था ना? हाँ महामंत्री जी, मैं वही कर रही हूँ। राजकुमारी मैना सुंदरी के कक्ष में भोजन पहुँचवाना है, गंगानाथ जी ने ही आदेश दिया है। राजकुमारी मैना सुंदरी का भोजन उनके कक्ष में पहुँचाना है? क्यों, आज उन्होंने राज परिवार के साथ भोजन नहीं किया? नहीं महामंत्री जी, राजकुमारी मैना सुंदरी पे महाराज ने विवाह प्रसंग से दूर रहने का प्रतिबंध लगाया है, इसी कारण वो कक्ष में ही बंद है। राजकुमारी मैना सुंदरी पर प्रतिबंध लगाया महाराज? असंभव। समस्त उज्जैनी प्रजा को आमंत्रण पर पुत्री को ही विवाह में सम्मिलित होने पर प्रतिबंध, क्या कारण हो सकता है? बहन का तनिक सा प्रेम पाकर सब कुछ भूल गई, कितनी अबोध है। फिर क्यों पिताजी को इस पुत्री पर दया नहीं आ रही? मैं आज हूं तो सखी बनकर बांट रही हूँ अपनी बहन के दुख, किंतु कल क्या होगा? माता असहाय है, पिताजी राजा हैं, मेरी मैना कैसे सहेगी अपनी जन्मदाता के दिए घावों की पीड़ा?
किस मिट्टी की बनी है। पिता के दिए दुख के कांटों को भी फूलों के समान सहज के रखे हुए। अविलंब दी जा रही यातना को भी इसकी अलहर सहजता को छीन नहीं सकती। आज के दिवस तो सुरा सुंदरी ने इसके घाव पे अपने प्रेम का मरहम लगा दिया, किंतु सुरा कल विदा हो जाएगी, तब कौन हरेगा इसके दुखों की माला को जो पिता की ओर से मिल रही है। महामंत्री, संस्कारहीन संतान कुल का कलंक होती है और इसलिए वो दंड की भागी है। क्षमा कीजिए महाराज, किंतु एक बार स्मरण कीजिए, मैना सुंदरी आपके हृदय को प्रसन्न चित कर देने वाली वही पुत्री है जिसे कुछ समय पूर्व आप सुसंस्कृत और संस्कारों से परिपूर्ण कहकर गर्व करते थे। सुरा दीदी, आप देखना, जब हम जीजा श्री को अपनी दीदी की सुंदरता के बारे में बताएंगे ना, तो वो जल जाएंगे। और है ना, वो असत्य कहना भी नहीं आता तुझे मैना। महाराज वीर दमन तुम्हारी खोज में संपूर्ण राज की शक्ति झोंक देंगे, कई निर्दोष जीव शत विशत किए जाएंगे, अवश्य यही होगा, किंतु मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, मुझे जाना होगा। महाराज वीर दमन, कितनी पराजित करोगे अपने मृत्यु को, अब तो सो जाओ, बहुत देर हो गई तुम्हें जागे हुए, अब चिर निद्रा में लीन हो जाओ। हमारे आदेश का न उल्लंघन किया है तूने मैना, इसका परिणाम और सुरा सुंदरी के विवाह की प्रसन्नता से हृदय प्रफुल्लित है, तो दूसरी ओर पुत्री मैना सुंदरी के कारण चित अशांत हो रहा है।
रानी सौभाग्य सुंदरी भी हमारी अवस्था को समझना नहीं चाहती। उन्हें भी अपनी पुत्री का अबोध चंचल बाल्यपन दिखाई पड़ता है। हमने दोनों पुत्रियों को एक समान स्नेह दिया, हर सुख दिया, परंतु हमें मैना सुंदरी के शब्द अब भी अपने हृदय पर घात करते प्रतीत हो रहे हैं। रानी सौभाग्य सुंदरी पुत्री है, उसकी अल्प आयु की कही बातों को आप हृदय से न लगाए स्वामी। वो धर्म कर्म में इतना लीन हो गई है कि उसे ज्ञान नहीं कि वो क्या कह रही है। असंभव। आप अपनी पुत्री के अभिमान को अपनी ममता के आंचल में छुपाकर हमारा तिरस्कार न करें। हमारी अंतर्वेदना नहीं दिखाई दे रही, वो हमें निर्दयी पिता समझती है, पर हम निर्दयी नहीं हैं, नहीं हैं। वो क्यों नहीं समझती कि हम पुत्री मैना सुंदरी की छदम मान्यताओं को स्वीकार नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि हम पिता के साथ एक राजा भी हैं। मैना के लिए आप उसके पिता हैं। तो स्वीकार क्यों नहीं करती कि पिता ही अपनी संतान के हर दुख का निवारण करता है और सुख से झोली भर देता है? क्यों स्वीकार नहीं करती? क्योंकि वो अभी तक अपरिपक्व है। चंचलता और अलर्टता उसके मन मस्तिष्क से परे नहीं हुए महाराज। तो आप समझाइए, उसे समझाइए। समझाना तो तब उचित होगा महाराज, जब आप राजा के स्थान पर केवल पिता बनकर उस पर दया भाव की दृष्टि रखेंगे। महाराज की जय हो। महामंत्री, आप इस समय हमारे कक्ष में बैठी हो। महाराज, यद्यपि आपके कठोर निर्णय से मुझे विश्वास नहीं है, किंतु चर्चा सुनी है, इस कारण सत्य जानने को व्याकुल हूं। कृपया प्रश्न पूछने की आज्ञा दे। आपको प्रश्न पूछने की अनुमति है महामंत्री। महाराज, क्या यह सत्य है कि आपने मैना सुंदरी को विवाह प्रसंग में सम्मिलित होने पर प्रतिबंधित किया है? हाँ, आपने सत्य सुना है। किस अपराध का दंड दे रहे हैं महाराज? उसका दोष क्या है? वो एक दुर्भाग्यशाली संस्कारहीन कन्या है, उसके लिए ये दंड आवश्यक था। उसकी परछाई से भी हम अपनी सुशील पुत्री सुरा को सुरक्षित रखना चाहते हैं। महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं दुर्भाग्यशाली और संस्कारहीन कन्या है? यही सत्य है। क्षमा करें महाराज, किंतु ये सत्य कैसे हो सकता है? क्योंकि संतान का भाग्य दुर्भाग्य तो माता पिता के हाथों में होता है। यही सत्य तो वो स्वीकार नहीं करती। अपने जीन धर्म की शिक्षा में वो अहंकारी हो चुकी है। वो हमें भाग्य का कर्ता नहीं स्वीकारती। हमारे दिए संस्कारों को ठुकरा चुकी है वो। हमारे हृदय को बहुत पीड़ा पहुंचाई है उसने महामंत्री। उसके अहंकार को मिटाने के लिए ये कठोर निर्णय आवश्यक था। किंतु महाराज, इस निर्णय लेते समय आप भूल गए कि मैना सुंदरी आपकी ही पुत्री है। महामंत्री, संस्कारहीन संतान कुल का कलंक होती है और इसलिए वो दंड की भागी है। क्षमा कीजिए महाराज, किंतु एक बार स्मरण कीजिए, मैना सुंदरी आपके हृदय को प्रसन्न चित कर देने वाली वही पुत्री है जिसे कुछ समय पूर्व आप सुसंस्कृत और संस्कारों से परिपूर्ण कहकर गर्व करते थे। महामंत्री, आप हमारे निर्णय को अनुचित ठहराने का अपराध कर रहे हैं। मैं आपके निर्णय को उचित अनुचित नहीं ठहरा रहा हूं महाराज। मैं तो केवल मैना सुंदरी के प्रति आपको दया भाव रखने के लिए निवेदन कर रहा हूं महाराज। असंभव है।
महाराज, आपने अपना निर्णय नहीं बदला तो मैना सुंदरी के प्रति आपका ये प्रतिबंध भविष्य में आपको एक श्रेष्ठ पिता के स्थान पर केवल और केवल एक निरंकुश शासक प्रमाणित कर देगा। अतएव मैं आपसे महामंत्री क्षमा प्रार्थी हूं महाराज। महामंत्री, आप सीमाओं को लांघने का प्रयास न करें। क्षमा करिए महाराज, किंतु यह अधिकार आपने ही प्रदान किया है। आपने सूरा का भाई होने का अधिकार दिया है और इस समय मैं भाई के अधिकार का प्रयोग कर रहा हूं और अंतिम बार विनती करता हूं, आप मेरी सुशील सुसंस्कृत बहना मैना सुंदरी को विवाह के प्रसंग में सम्मिलित होने पर जो आपने प्रतिबंध लगाया है उसे हटा लीजिए। इस निर्णय से उसके अबोध बाल मन को प्राणहीन न बनाइए महाराज। असंभव। आप जा सकते हैं महामंत्री।